ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ओके तो अभी के टाइम में अपने इंस्टाग्राम पर ये वाली रील तो जरूर देखिए क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एंड अगर आप भी कुछ इस टाइप की रील को एडिट करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो यार काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है आपकी रील वायरल होने के। तो आज की वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इस टाइप की रील को एडिट कर सकते हो एंड कैसे अपने रील को वायरल भी करा सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड उसके अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साइड जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखो इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है VN, जिसे आप बहुत इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है एंड देखो एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। ठीक है वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो देखो क्या करना है, आपको सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस वाला। ठीक है तो आपको सिंपल यहाँ पे स्टेप से क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको अपने कोई 12 फोटो चूज कर लेनी है, मतलब आपको यहाँ से अपने कोई 12 फोटो चूज कर लेनी है। ठीक है तो मैं यहाँ से फटाक से कर लूंगा। ठीक है तो मैंने यहाँ पे अपने फोटो चूज कर लिए। देन आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एरो वाला। ठीक है तो सिंपली आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे। ठीक है तो हमारे यहाँ पर फोटो आ चुकी है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो का फ्रेम सेट करना है। तो वो कैसे कर सकते हो आप, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओरिजिनल वाला ऑप्शन इस टाइप से क्लिक करना है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है एंड आपको यहाँ पे 9:60 वाला रील से चूज कर लेना है जो कि हम इंस्टाग्राम रील के लिए करते हैं। ठीक है यहाँ से चूज कर लेंगे और क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे अपनी पहले वाली फोटो इस टाइप से क्लिक करना है और इस फोटो को यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप से जूम कर लेंगे। ठीक है तो क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे अपनी सारी फोटोज पे इस टाइप से क्लिक करना है और उन्हें यहाँ से थोड़ा थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि जो हमारे यहाँ पे रील बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा बिंदास लगेगी देखने में। तो इस टाइप से यहाँ पे क्लिक करेंगे फोटोज पे और इन्हें यहाँ से थोड़ा थोड़ा जूम कर लेंगे। ठीक है तो मैं इन्हें यहाँ से फटाक से जूम कर लूँगा। ठीक है और देखो लास्ट में आपको एक वाटर मार्क मिलेगा तो आपको सिंपली इस टाइप से इस पर क्लिक करना है। तो इस पे यहाँ पे इस टाइप से क्लिक करेंगे। ठीक है और यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है तो हमारे यहाँ पर इतना काम हो चुका है। तो देखो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे एक म्यूजिक ऐड करना है। तो कैसे कर सकते हो आप, तो उसके लिए आपको यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन पर इस टाइप से क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे फिर म्यूजिक वाला ऑप्शन पर इस टाइप से क्लिक कर देना है। ठीक है और देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे एक म्यूजिक मिलेगा ये वाला। ठीक है तो आपको यहाँ से सिंपली चूज कर लेना है और इस वाले म्यूजिक लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो आप इसे वहाँ से बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है यहाँ से इसे चूज कर लेंगे। देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा म्यूजिक भी आ चुका है। तो देखो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने म्यूजिक में बीट लगानी है। तो कैसे लगा सकते हो आप, तो उसके लिए आपको अपने म्यूजिक पर टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करेंगे और आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा बीट वाला। ठीक है तो सिंपली आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे। ठीक है तो देखो आप यहाँ पे बीट कैसे लगा सकते हो, तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे इस टाइप से स्लाइड करना है। ठीक है एंड जैसे मुझे यहाँ पे बीट लगानी, तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे इस प्ले वाले ऑप्शन में इस टाइप से क्लिक कर देना है तो यहाँ पे एक बीट लग जाएगी। और अगर आपको यहाँ से बीट को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको अपने बीट पे एक बार टाइप करना है और यहाँ से इस टाइप से डिलीट भी आप कर सकते हो। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ 11 बीट लगानी है, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ 11 बीट लगानी है और कहाँ कहाँ पर लगानी है अभी मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है ओके तो आपको यहाँ पे पहली बीट लगानी है 2.80 पे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे लगा के एक बार दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2.80 आ चुका है। ठीक है तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली इस टाइप से क्लिक कर देना है तो यहाँ पे एक बीट लग जाएगी। तो ऐसे आपको यहाँ पे 11 बीट लगा देनी है। ठीक है और आपके यहाँ पे सेकंड बीट है 5.60 पे। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है तो यहाँ पे इस टाइप से क्लिक करके बीट लगा देंगे। ठीक है और देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहली बीट कहाँ पर है और दूसरी बीट कहाँ पर है। ठीक है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो और जब आप अपनी कोई रील एडिट करो तो उसमें यहाँ पे देख देख के अपनी रील को बहुत ईजिली एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बीट को थोड़ी जल्दी लगा लूंगा बट मैं आपको यहाँ पे सारे बीट की टाइमिंग यहाँ पे बता दूंगा कि मतलब बीट कहाँ कहाँ पर है। ठीक है तो मैं यहाँ पर थोड़ी जल्दी कर लूंगा। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारी बीट अच्छी तरीके से लगा ली है। ठीक है तो अभी मैं आपको यहाँ पे बीट दिखा देता हूँ कि कौन सी बीट कहाँ पर है। तो देखो आपको यहाँ पे सेकंड मतलब आपको यहाँ पे फर्स्ट बीट लगानी है, वो आपको लगानी है 2.80 पे। ठीक है आपको फर्स्ट बीट 2.80 पे लगानी है और यहाँ पे आपकी जो सेकंड बीट है वो आपको यहाँ पे लगानी है 5.60 पे। ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो। और देखो आपको यहाँ पे जो थर्ड बीट है वो आपके यहाँ पर है 8.13 पे। ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हो और आपके यहाँ पे फोर्थ जो बीट है वो है यहाँ पे आपकी 10.30 पे। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो। ठीक है मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ बहुत अच्छे से यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है और जो आपके यहाँ पे फिफ्थ बीट है वो है आपके यहाँ पे 10.94 पे और आपकी जो सिक्स बीट है यहाँ पे है 11.32 पे और जो सेवन आपके यहाँ पे वो है 12.13 पे। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है और जो आपकी एट्थ बीट है वो यहाँ पे 12.83 पे और जो आपके यहाँ पे नाइन है वो यहाँ पे 13.43 पे
और 10 बीट आपके यहाँ पे 40.7 पे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो आपके यहाँ पे लास्ट बीट है वो है आपके यहाँ पे 40.68 पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी बीट इस टाइप से अच्छे से लगा देनी जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाई है। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पे फिर इस टाइप से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे तो देखो अभी क्या करना है, वो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको अपने बीट के हिसाब से अपने फोटोज को एडजस्ट करना है। तो वो कैसे कर सकता हूँ, तो देखो अभी मैं आपको वो बता देता हूँ। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने दोनों फिंगर से इस टाइप से जूम कर लेना है। तो इस यहाँ से जूम कर लेंगे और क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे अपने पहले फोटो पे इस टाइप से क्लिक करना है और यहाँ से इस टाइप से पकड़ेंगे और यहाँ से बीट के नीचे लाके इस टाइप से रख देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी बीट है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे लाके इस टाइप से रख दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे अपनी सेकंड वाली फोटो पे क्लिक करना है और इसे यहाँ पे इस टाइप से लाके एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल बीट के बीचों बीच आ चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पे अपनी थर्ड वाली फोटो पे क्लिक करना है और इसे भी यहाँ पे इस टाइप से ला के रख देंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी सारी फोटोज पे क्लिक करना है और उन्हें यहाँ पे इस टाइप से बीट के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी फास्ट कर लूँगा क्योंकि आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे करने लगा एक एक करके, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको यहाँ पे कैसे करना है, तो मैं ऐसे फटाक से कर लूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने सारे फोटोज़ को अच्छे से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेम इसी टाइप से करना है। देन क्या करना है, देखो जो सबसे मेन काम है अभी आपको यहाँ पे वो करना है। देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फोटोज़ में इफेक्ट लगाने हैं क्योंकि भाई उनके बिना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पे कौन सी फोटो में कौन सा वाला इफेक्ट लगाना है अभी मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा इफेक्ट्स वाला, तो सिंपली आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, बट आपको सिर्फ यहाँ पे वही लगाना जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो सबसे बढ़िया लगेगा आपको सिर्फ वही बताऊंगा। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे साइड में जाना है और आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा जूम आउट वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से सिंपली क्लिक करके इसे यहाँ से चूज करेंगे। एंड देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे इस टाइप से आगे की तरफ कर लेना है जितना ज़्यादा हो सके। तो अभी फिलहाल यहाँ पे इतना ही होगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो अभी हमारे यहाँ पर जो पहली फोटो इसका काम खत्म हो चुका है। देन आपको यहाँ पे अपनी सेकंड वाली फोटो पर जाना है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको कौन सा इफेक्ट लगाना है, तो क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर से इफेक्ट्स वाला ऑप्शन जाना है और आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा ब्लैक वाला, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। तो इस यहाँ से चूज कर लेंगे और देखो क्या करना है, इस यहाँ से बिल्कुल लास्ट में लेके आ जाएंगे और यहाँ से आगे की तरफ इसे बढ़ा लेंगे, मतलब पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है। और देखो क्या करना है, आपको इसका जो पीरियड है बिल्कुल फुल कर देना है इस टाइप से, ठीक है, आपको यहाँ बिल्कुल फुल कर देना है। देन आपको यहाँ राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है और आपको सेम यही वाला प्रोसेस अपने अगले वाले फोटो के साथ करना है। इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे थर्ड वाले फोटो पे और यहाँ से फिर से इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ से ब्लैक वाला चूज करेंगे, ठीक है, और इस यहाँ से इस टाइप से आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, इसके पीरियड को भी यहाँ पे बिल्कुल फुल कर देंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो हमारे यहाँ पर इतने फोटो का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और देखो आपको फिर यहाँ पे फोर्थ फोटो पे जाना है और यहाँ से फिर से एफएक्स में जाएंगे और इस बार आपको यहाँ पे सिर्फ ये व्हाइट वाला ही चूज करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस यहाँ से चूज कर लेंगे और देखो क्या करना है, आपको इसकी पीरियड को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है, यहीं कोई 30-40 के अराउंड आपको यहाँ पे कर लेना है। देन आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन भी अभी क्लिक नहीं करना है, बट उससे पहले आपको यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ा लेना है, ठीक है, ठीक है। देन आपको राइट वाला ऑप्शन इस टाइप से क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपने नेक्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है और देखो आपको अब यहाँ पे जूम आउट और जूम इन वाले इफेक्ट आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो देखो कैसे लगाने हैं, आपको यहाँ पे एफएक्स में जाना है फिर से और आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा जूम आउट वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जूम आउट वाला, ठीक है। तो इसे यहाँ से चूज कर लेंगे एंड देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले फोटो पे जाना है और यहाँ से एफएक्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा जूम इन वाला। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जूम इन वाला, ठीक है। तो क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे सिंपली इस टाइप से चूज कर लेना है, तो इस टाइप से चूज कर लेंगे, देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो देखो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे जो लास्ट वाले आपके जो फोटोज हैं इनमें आपको पहले जूम इन लगाना है, फिर जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस टाइप से सारे फोटोज में लगा लेना है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे जूम इन लगाया था, तो इससे जो अगला वाला फोटो है इसमें हम जूम आउट वाला इफेक्ट लगाएंगे। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और एफएक्स में जाएंगे और यहाँ से जूम आउट वाला इफेक्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो इसे जूम आउट कहाँ से लगा लेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने सारे फोटोज में जो लास्ट तक है आपको सिर्फ यही करना है, पहले जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे फोटोज में यही इफेक्ट लगा लेना है, ठीक है। तो मैं ऐसे फटाक से लगा लूंगा। ओके, तो फाइनल यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाता हूँ, देखते हैं कैसी बनी है।
ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा वीडियो कितने अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। तो यार एक लाइक तो बनता है। तो देखो अभी क्या करना है, आपको अपनी गैलरी में सेव ही करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे इस टाइप से क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, तो ये वाली वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर देना, ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। और ये राइट वाली वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो जल्दी से इस पर क्लिक करो और जल्दी से देखो।